कल नमस्कार। कल हम भक्ति काल से संबंधित हमने चर्चा की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चार कालखंड हैं, तो उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण मैंने कहा था, जिसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। और समय के अभाव में हम भक्ति काल के तमाम आयाम पे चर्चा नहीं कर पाए थे, और क्योंकि घंटे भर में पूरे भक्ति काल पर चर्चा करना मुश्किल है, और फिर भी उसके मूल आयाम और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को मैंने समझाया, और उस काल की परिस्थितियों को समझाया, और साहित्य के संबंध में भी संक्षेप में मैंने बताया था। तो आज हम हिंदी साहित्य के तीसरे कालखंड पर चर्चा करेंगे, जिसको हम रीतिकाल कहते हैं। तो रीतिकाल संबंधी चर्चा, जैसे हम 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक रीतिकाल को मानते हैं, और नीतिकाल, रीतिकाल, श्रृंगार काल, ऐसे कई सारी संज्ञाएं उसको दी गई है, और उसको एक आप दूसरे दृष्टि से यदि देखेंगे, उसको मध्यकाल में उत्तर मध्यकाल की संज्ञा भी दी जाती है। और जिस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर भक्ति काल के संबंध में भक्ति काल की तारीफ की जाती है, तो उस दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो रीतिकाल की तारीफ वैसे नहीं होती, और रीतिकाल की दृष्टि से काफी आलोचना रीतिकाल के संबंध में की भी जाती है। तो जो भी हो, हम एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में पहले रीति क्या है, रीतिकाल क्या है, समझने की कोशिश करें, और फिर आगे जाकर रीतिकाल की परिस्थितियां क्या थी, और रीतिकाल के विभिन्न साहित्य जो विकसित हुआ था उसका स्वरूप क्या है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं ये आपको जैसे कल परसों किया था, वैसे ही एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, एक आध प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये समझाऊंगा। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन अभी शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता है, जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा होता तो उस समय मैं केवल स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन ही देख पाऊंगा, आप सबको देख नहीं पाऊंगा फुल स्क्रीन प्रेजेंट करने से। तो मुझे आप जस्ट बता दीजिए, कुछ भी आपको डाउट आया आप तभी पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। बट आपको देख नहीं पाऊंगा, इसलिए सवाल आप जस्ट अनम्यूट करके अपना माइक पूछ सकते हैं। जस्ट आपका अभी एक प्रेजेंटेशन ओपन हो रहा है, 1 मिनट। बट मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आपके साथ? हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा मैं जो पिछले पिछली कक्षा के लिए जो ओपन किया था वो था। अभी मैं आपको उस प्रेजेंटेशन में ले जा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो सबसे पहले, हाँ यस, पूछिए। सजनी जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, नहीं सर, अच्छा, आपकी आवाज आई तभी तो मैंने सवाल किया। ठीक सॉरी है, सर, ओके। ठीक सो हम है सर, यस, ओके सर, पीपीटी ओपन सर। ओके ओके, जस्ट आई एम प्रेजेंटिंग नाउ। ओके, अभी हम रीतिकाल के संबंध में अध्ययन करेंगे, और रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक पृष्ठभूमि के संबंध में हम इस प्रस्तुति के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने कहा था कल भी, हम सबसे पहले उस काल की परिस्थितियों को समझकर ही जो है उस साहित्य का मूल्यांकन कर सकते हैं, उस कालखंड के साहित्य को। तो इसी दृष्टि से आपका स्वागत है। तो इस रीतिकाल की विभिन्न परिस्थितियों को समझने से संबंधित इस प्रस्तुति में सबसे पहले रीतिकाल जिसको हम कहते हैं, तो उसको एक मतलब ईसवी सन की दृष्टि से 1645 से लेकर 1847 तक के कालखंड को मानते हैं। इसको सिंपली आपको मानना है कि 17वीं से लेकर 19वीं सदी तक मान लीजिए, सिंपल। तो भक्ति काल की जहां सीमा खत्म हो जाती है, तो वहां से लेकर आप रीतिकाल की बात करेंगे, तो इसी को रीतिकाल कहा गया। तो रीति शब्द का मतलब क्या है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करें। जैसे काव्य लिखते हैं आप, काव्य की जो रचने की आपकी प्रक्रिया है, उसकी पद्धति है, उसी को रीति कहते हैं। मतलब काव्य की प्रणाली, काव्य की पद्धति, काव्य का सांचा। और जैसे आप तो किसी एक पंक्ति को लिखते हैं, तो जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो
तो इस कनक कनक तेज अवगुणी में फिर आप तो साहित्य के विद्यार्थी है, निश्चित तौर पे इसमें रस क्या है, अलंकार क्या है, इसका तुक क्या है, ये सब तो आप कहते रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे काव्य रचने का एक ढांचा है, एक सांचा है, तो वो जो है उसी को हम रीति कहते हैं। तो उसकी शैली और कवि जो कुछ जिस ढंग से उसको बनाता है उसको लेकर ही रीति उसको कहा जाता है। तो और तो इससे संबंधित जो भी लिखा जाता है उसको लक्षण कहे जाते हैं, मतलब लक्षण ग्रंथ कहते हैं, मतलब ऐसे लिखने की पद्धति के संबंध में जो भी ग्रंथ है उनको लक्षण ग्रंथ कहते हैं, उन्हीं को रीति ग्रंथ भी कहते हैं। तो अभी रीतिकाल क्या है, रीति क्या है आप समझ गए। तो रीति ग्रंथ का मतलब वही है जिसमें काव्य लेखन मतलब काव्य रचना से संबंधित रीतियां नीतियां सब कुछ समझाई जाती है, उसी को रीति ग्रंथ कहते हैं। तो उसी विवेचन से संबंधित पुस्तकों को दूसरे संज्ञा दी जाती है रीति शास्त्र, मतलब उससे संबंधित ज्ञान को रीति शास्त्र कहा जाता है। तो आप इतना समझिए छंद संबंधी रस संबंधी बाकी जो भी आयाम है उससे उनसे संबंधित जो भी आयाम से संबंधित ज्ञान को ही हम रीति शास्त्र कहते हैं। तो रीति संप्रदाय में एक्चुअली काव्य का जो बाह्य आकार है तो केवल उस पर ही नहीं है, तो उसके आंतरिक अर्थ पर भी वो जाता है। तो दोनों दृष्टियां हैं वहां पे। और हिंदी में रीति शब्द का जो प्रयोग हुआ है तो रीति काव्य के मतलब रीतिकालीन साहित्य के दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब काव्य संप्रदाय की दृष्टि से रीति का प्रयोग हुआ है। एक दूसरा जो रीति साहित्य मतलब इस प्रकार का जो साहित्य रचा गया उससे संबंधित, और रीतिकाल जिसको कह रहे हैं वही उस कालखंड के संबंध में हम कह रहे हैं। पद्माकर रीतिकालीन एक कवि हैं और उन्होंने अपनी कृति पद्माभरण में अलंकार की चर्चा की है। तो उसके आधार पर उसको उन्होंने कहा कि अलंकार रीति मतलब अलंकार से संबंधित तरीका, अलंकार का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कौन सा अलंकार कैसा होता है, उसके लिए कैसे हम लिखेंगे। तो मुख चंद्रमा है, चंद्रबिंब जैसा मुख है, जो भी ये सब आप जानते हैं वहां पे। यहाँ पे हम जैसे आपके काव्यशास्त्र संबंधी भारतीय काव्यशास्त्र में ये सब आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ उस साहित्य का मतलब उस दृष्टि से यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो केवल हम ऐतिहासिक दृष्टि से तो रीतिकालीन शास्त्रीय परंपरा और रीतिकालीन साहित्य रीतिकालीन परिस्थितियों को समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास सीमित समय होने की वजह से ना अलंकार को हम समझेंगे, ना रीति को समझेंगे, ना हम उन छंदों को समझ पाएंगे। केवल ऐतिहासिक दृष्टि से उस कालखंड में साहित्य का सृजन कैसा हुआ था, उस साहित्य का स्वरूप कैसा था और उस साहित्य की विशेषताएं क्या है और उसको लेकर आलोचकीय दृष्टि क्या है, यदि उस साहित्य को आप पढ़ेंगे तो उसको किस दृष्टि से आप आंकेंगे और उसकी समीक्षा आप कैसे करेंगे, ये सारी दृष्टियां आप इस रीतिकाल से संबंधित चर्चा में हासिल कर पाए निश्चित तौर पर तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी इससे इस विषय में। तो मिश्र बंधुओं ने, आपको पता है मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंध विनोद के नाम से जो कृति लिखी थी उसमें हिंदी का जो साहित्य लिखा था, उन्होंने लगभग 5000 कवियों के बारे में उन्होंने लिखा था। फिर दूसरा इन लोगों ने उन्होंने उस साहित्य के इतिहास की पुस्तक में इसको कहा अलंकृत काल। तो मतलब इसी दृष्टि से जैसे अलंकारों से संबंधित रीतियों की बात पद्माभरण में है तो इसके अलावा भी और भी है, तो तब तो अलंकृत काल इसकी संज्ञा दी है। फिर तीसरा जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम ज्यादा मानते हैं तो उन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी है। फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है इसको श्रृंगार काल का नाम दे दिया। यही आप देख रहे हैं तीन संज्ञाएं हैं, एक अलंकृत काल की संज्ञा है, एक रीतिकाल की संज्ञा है, एक श्रृंगार काल की संज्ञा है। एक एक संज्ञा एक चीज को स्पष्ट कर रही है। जैसे रीति का मतलब एक तो हो गया काव्य रचना प्रक्रिया, तो एक अलंकार का अलंकृत काल कहा गया। फिर श्रृंगार काल का मतलब उसमें रस वर्णन जो है श्रृंगार की अधिकता होने की वजह से श्रृंगार काल हो गया। तो इसलिए श्रृंगार काल में आपकी विषय वस्तु की विशेषता भी समझ में आ रही है। संज्ञाएं अलग अलग हैं तो लेकिन एक कालखंड है, तो उस कालखंड की सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियों को समझकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस साहित्य का सृजन कैसे हुआ था, उसका स्वरूप क्या है।
तो थोड़ा अधिक गति के साथ हम जाएं तभी तो विषय में वहां तक हम पहुंच पाएंगे। दो प्रेजेंटेशन है आपके सामने, दोनों को सीमित ही मैंने प्रेजेंट किया उसमें, इसके बावजूद थोड़ी सी गति, चूंकि ये साहित्यिक विषय है इसमें आपको कोई वैसी समस्या नहीं है, समझ पाएंगे और आपके पास पाठ्य पुस्तक है और उसका अध्ययन करेंगे, थोड़ी सी गति बढ़ाकर ही मैं बताऊंगा। निश्चित तौर पे आपको कोई और शंका हो तो बीच में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ 1643 ईस्वी में भारत के सिंहासन पर शाहजहां आसीन हुआ था और इस काल में मुगल वैभव अपने चरम उत्कर्ष पर था। तो जैसे कल मैंने बताया था कि मुगल मतलब बाहरी आक्रमणकारियों का शासन का दौर था, तो उसमें आगे शाहजहां का समय की बात यहाँ की जा रही, मतलब रीतिकालीन परिस्थितियों में शाहजहां का समय था। और मुगल साम्राज्य के वैभव के बारे में आप तो जानते हैं, और जहांगीर ने साम्राज्य छोड़ा था, शाहजहां ने उसकी वृद्धि की थी, जहां भी जिस गति में भी जिस स्थिति में भी उन्होंने छोड़ दी थी उसको आगे विस्तार करने की कोशिश शाहजहां ने की थी। उसका दक्षिण में अहमदनगर, गोलकुंडा और बुजापुर, यहाँ पे दक्षिण भारत की बात, यहाँ अहमदनगर आपको पता है ये महाराष्ट्र में है, गोलकुंडा हैदराबाद में, बीजापुर कर्नाटक में है, तो इसी को हैदराबाद कर्नाटक भी कहते हैं। तो इन प्रांतों में इन सुल्तानों का राज्य था, राज्यों पर अधिकार हो गया। उत्तर पश्चिम में कंधार किला मुगलों ने जीत लिया, तो इतना विस्तार उस समय हो गया था। उस समय तक मुगलों के पास 22 सूबे थे जिनकी आमदनी काफी ज्यादा थी, ये डिविजन्स है, टोटल 22 डिविजन्स उनके पास, मतलब इतनी जमीन उन्होंने घेर ली थी, इतने राज्यों को उन्होंने राज्यों पर अपना अधिकार फैला दिया था। तो उनके उन सूबों से जो भी कर वसूली होती थी उससे उनकी काफी आमदनी होती थी। तो और दूसरी बात, देश में शांति थी और खजाना मालामाल, मतलब खूब पैसे थे उनके पास, जैसे कला संगीत वैभव पर था, और मयूर सिंहासन तथा ताजमहल का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। तो आप मयूर सिंहासन और बाकी जो भी है हमारी मतलब यहाँ भारतीय आर्थिक उन्नति क्या थी, तो इसकी ओर ये दिखाते हैं। मतलब कोई अपनी बीवी के लिए कब्र भी इतना बड़ा बना देता कि जो दुनिया का एक आश्चर्य के रूप में वो असीमित काल तक उपलब्ध है, तब आप सोचिए तो कितने पैसे उस समय खर्च किए जाते थे हर चीज पर। तो वैसी परिस्थितियां थी उस समय, मतलब एक तो ये भोग विलास का समय था, इतना तो आपको स्पष्ट हो रहा है इसमें, तो मतलब ये सारी संपन्नता जो भी है तो वो भोग विलास में ये लोग दिखाते थे। तो अपनी शक्ति एवं सीमा बढ़ाने के लिए मुगलों ने मध्य एशिया पर आक्रमण किए और सफलता नहीं मिली, और 1658 में शाहजहां बीमार पड़ा और उसके जीवन काल में ही उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो गए, और युद्ध रीतिकाल के आरंभ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। मतलब ये जो युद्ध हुआ उनके मतलब आपस में फूट जो भी पैदा हुआ ये एक महत्वपूर्ण बात है। और शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को राउंड कर औरंगजेब ने गद्दी हथियाली। तो शाहजहां के आपसी मतलब उनके पुत्रों में ही आपसी भेदभाव पैदा हुआ, तो एक ने एक दूसरे को राउंड कर दूसरे ने गद्दी हासिल की, ये बात है यहाँ पे। लेकिन औरंगजेब का काल अशांति एवं कलह में ही बीता और उसके सामने आगरा, अवध, इलाहाबाद के सूबों में विद्रोह हुए, और आगरा में जाटों ने, अवध में राजपूतों ने, इलाहाबाद में जमींदारों ने खुला विद्रोह किया था उस समय। और बुंदेलखंड में चंपति राय के पुत्र छत्रसाल और महाराष्ट्र में मराठी शिवाजी ने स्वतंत्र रूप से सिर उठाया, मतलब ये अपने अपने राज्य के राजा घोषित हो गए और ये तैयार हो गए उनसे लड़ने के लिए। और मेवाड़ और मारवाड़ ने मुगलों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। तो मतलब देखिए एक पूरा इतना दक्षिण तक फैला हुआ एक बड़ा साम्राज्य था, और जिसके शाहनशाह थे उनके पिताजी, और दोनों पुत्रों में आपसी फूट की वजह से क्या क्या हुआ, तो ये सारी परिस्थितियां सामने आई। और पंजाब में सिखों का असंतोष तीव्र हुआ और गुरु तेज बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की हत्या को लेकर सिख जाति बेचैन हो गई, और ये सब इतिहास में आप पढ़ेंगे तो उसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जस्ट राजनीतिक परिस्थितियों के एक रूप स्वरूप को समझना है तभी जाकर इसका असर कैसे साहित्य पर पड़ा इसी दृष्टि से हम समझ रहे हैं। और दक्षिण की
दिशा और भी खराब थी। इस काल में मराठा शक्ति का उदय हुआ और नादिर शाह का तेज हमला हुआ और सेना अपना पराक्रम खो बैठी। और इस माहौल में बंगाल का अलावर्दी खां और दक्षिण में आसफ जहां स्वतंत्र हो गए, कुछ दक्षिण के सामंत गृह कलह में उलझ गए थे। और आप सब ये सब जानते हैं कि मतलब दक्षिण में अलग अलग कई सारे राज्य स्थापित हो गए, उस तरफ महाराष्ट्र में भी। और ये मतलब यहाँ एक तरफ से वो हुआ और दूसरी तरफ से अंग्रेजों का व्यापार भी फैलने का अवसर वही मिला था कि मतलब हम कहते हैं कि मतलब पराधीनता के 2-2.5 हजार वर्ष हम बिता चुके हैं, तो लगभग वही अवधि है जब ये सब हो रहा था। तभी छोटे छोटे राज्यों का विकास हो रहा था, उसी समय फिर अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों का आधिपत्य भी धीरे धीरे होने लगा और मुगल साम्राज्य दिल्ली से आगरा तक सीमित हो गया। मतलब जहां जहां छोटे छोटे राज्य थे तो उन पर अंग्रेज व्यापार के नाम से आए, फिर धीरे धीरे फिर वे भी आक्रमण करते गए। तो फिर क्या हुआ, तो जो मुगल साम्राज्य इतना व्यापक और बड़ा साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था, वो दिल्ली और आगरा तक सीमित हो गया था। और इस समय का इतिहास दरबारों अंतःपुरों के षड्यंत्रों का इतिहास ही बनकर रह गया है। तो जैसे मैंने कल परसों आपको कहा था, एक मूवी जो आप अवधि साहित्य में जैसे जायसी कृत पद्मावत तो आप साहित्य में मतलब प्राचीन एवं मध्यकालीन मतलब साहित्य पद्यों में आप पढ़ेंगे उनका पद्मावत, तो पद्मावत संबंधी जो मूवी है उसको देखेंगे, इस बात को बहुत ढंग से समझ पाएंगे। इतिहास भी दरबारों और अंतःपुरों के षड्यंत्रों का इतिहास बनकर रह गया है, तो वो बात वहां पे स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। आपको मूवी देखने का इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन एक बार इस इतिहास को समझने के लिए एक बार उस मूवी को देखिए। वैसे उस बहाने आप पद्मावत की थोड़ी बहुत कहानी मतलब 58 कंडों में जो है वो उसमें थोड़ा बहुत समझ पाएंगे आप। और पूरे देश में युद्धों और गृह कलहों से मतलब परिस्थिति काफी दयापूर्ण परिस्थिति बन रही थी, मतलब पूरी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो रही थी, तो ऐसी परिस्थितियां थी उस समय। और औरंगजेब की संतानें व्यक्तित्वहीन साबित होकर कर्मचारियों के हाथों में खिलौना बनकर टूट गया। और राजनीतिक स्थिति का इस काल में पूरा चित्र यह बन गया कि देश पदाक्रांत विलास जर्जर विकृत सामंतवाद की इच्छाओं का पतन प्रतीक बन गया। तो मतलब राजनीतिक दृष्टि से ऐसा बन गया कि कई सारे सामंत थे उनके, और सारे सामंत अपने अपने मतलब स्वाधीनता की घोषणा करके वो अपना राज्य चलाने लगे, तो इस ढंग से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और रीतिकाल की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पदाक्रांत का मतलब वो जो है, आप इस वाक्य में समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि राजनीतिक स्थिति का इस काल में पूरा चित्र यह बन गया कि देश पदाक्रांत मतलब दूसरों के नीचे चला गया, दूसरों ने आक्रमण कर लिया इसको, तो दूसरों ने आक्रमण किया का मतलब आप समझ गए थे। पहले हमने भक्ति काल के शुरू में जैसे मुसलमानों के आक्रमण की बातें की, तो बस उनका शासन चलता रहा और सुस्थिर शासन था। तो इस बीच क्या हुआ, फिर अंग्रेज घेरने लगे, फिर मतलब जो सत्ता इनके पास था मतलब मुगलों के पास, वो सत्ता उनके हाथ से छिन गया, मतलब दूसरों ने उसको आक्रमण कर लिया। कैसे, उनके नीचे जो शासक थे सामंत, उनके हाथ में वो स्वतंत्र हो गए, फिर उनके हाथ से भी वो हाथ धो पाए, मतलब वो वहां पे भी नहीं रहा, उनके हाथ से फिर अंग्रेजों ने छीन लिया। अंग्रेज धीरे धीरे आक्रमण करने लगे, क्योंकि जब एकता थी और पूरा मजबूत थे साम्राज्य, तब तो कोई उनको हड़प नहीं सकते थे। जब अलग अलग हो गए, छोटे छोटे राज्य हो गए, उनको मारना आसान हो गया, तो उनका आक्रमण आसान हो गया। इसलिए यहाँ पदाक्रांत का मतलब जो है उस जमीन पर तो अपना अधिकार खो बैठना, दूसरे उसको हासिल कर लेना, उस अर्थ में, ठीक है, इसी दृष्टि से। और धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब धर्म की क्या स्थिति थी उस समय और सांस्कृतिक दृष्टि से कैसा था। तो धर्म भी विलासिता से प्रभावित हुआ था, तो ये मुख्य मुद्दा है। तो पहले धर्मबद्धता जो देखी है हमने, तभी तो हमने कहा था भक्ति काल को एक प्रकार से श्रेष्ठ काल। अब यहाँ पे विलासिता जो है हर जगह दिखने लगी, और हिंदी प्रदेश में जो वैष्णव धर्म और उसमें भी कृष्ण भक्ति शाखा तेजी से फैली,
और क्योंकि उस युग की प्रवृत्ति के अनुकूल थी, और विशेषकर जो कृष्ण भक्ति में भी आप फिर देखेंगे आगे की पंक्तियों में, तो कृष्ण पंक्ति कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदायों में भी कई सारे उप संप्रदाय आ गए और उसमें एक प्रकार की विलासिता भी आ गई। पहले वो सब नहीं था लेकिन आगे वो सब विलासिता आ गई। जैसे वल्लभ संप्रदाय में विट्ठलनाथ जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने गोकुल, कामबन, काकरौली और श्रीनाथ द्वारा सूरत, बंबई और काशी इन सब में अपनी अपनी गद्दियां बना ली है। तो मतलब विट्ठलनाथ के मठ वहां पे, तो इनके बेटों ने वहां अलग अलग अपना मठ बना लिया, और वहां पे जो भी मंदिर है अब इन सब में गोकुल, कामबन, काकरौली, श्रीनाथ द्वारा, सूरत, मुंबई और काशी में जो कृष्ण संबंधी कृष्ण भक्ति संबंधी इनके जो मठ है विट्ठलनाथ के, तो वहां पे जो है ये सब विलासिता के केंद्र बन गए और वहां सेवा अर्चना की अनेक पद्धतियों का आविष्कार हुआ और भगवान ऐश्वर्य की मूर्ति बन गए। और इन गद्दियों के गोस्वामियों का संपर्क राजा और सामंतों से बढ़ा, वहां से ऐश्वर्य के साधन उनको उपलब्ध हो जाते थे। और ऐसी स्थितियों में युग का धर्म जो है अंधविश्वास का पर्याय बन गया। अशिक्षित जन समुदाय के लिए भक्ति भावना धर्म के बाह्य अंगों तक सीमित थी। मतलब कल जो आपने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को पढ़ा, भक्ति का मतलब उसकी मूल बातें जो समझने की कोशिश की है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और जीव और ईश्वर, ये सारी जो परिभाषाएं आपने समझने की वहां कोशिश की थी, तो आम आदमी जो है भक्ति का मतलब क्या है समझने में सक्षम नहीं हो पा रहा था इस कालखंड में, रीति काल में, क्योंकि उनके सामने तमाम अंधविश्वास और उससे संबंधित रूढ़ियां जो सामने आई, और धर्म के नाम से जो भी बाहरी जो मतलब दिखावा जो भी दिखता था, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है धर्म का मतलब। मतलब अंधविश्वास के कारण संतों और पीरों के पास जाते थे और सब प्रकार की रीतियों और अंध परंपराओं का पालन करते थे लोग। तो इस प्रकार की स्थिति थी धर्म की दृष्टि से, और संत और पीर भोली भाली जनता का खूब शोषण करते थे। आज के बाबा लोगों को तो आप जानते हैं, उस प्रकार के बाबा लोगों के दादा लोग उस समय पैदा हो गए थे। इतना ही सिंपल स्टेटमेंट के साथ आप आगे जी। बाह्यांग का मतलब एक्चुअली भक्ति जो है आंतरिक चीज है। हमने कहा ना कि भक्ति जो है आत्मिक चीज है, आंतरिक चीज है, तो हृदय के अंतर्गत की चीज है। तो बाह्यांग का मतलब बाहरी, जैसे हम कह रहे हैं भक्ति करने का मतलब ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ये सब चीजें जो है बाहरी चीजें है, बाहरी प्रदर्शन है। तो फिर अंगांग प्रदर्शन करो, मंदिर की प्रदर्शना करो, ये सब मतलब आप पत्थर कहता है, कबीर कहता है पत्थर को पूजना ही बेवकूफी है, कबीर कहता है आपको, मतलब ये अंधविश्वास है। तो पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजू बाहर, उन्होंने कहा। तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी अंदरूनी जो बात है, मतलब ईश्वर आप स्वयं है, ईश्वर आपके अंदर है, तो आप जाकर बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर ही आप सब मंदिर की प्रदर्शना कर रहे हैं और आप मूर्ति को आप सब लगा रहे हैं और उसको लपेट रहे हैं कपड़े और कह रहे हैं ये सब क्या है। तो मतलब ये जो आगे हैं सारे अंधविश्वास, ये बाह्य अंग का मतलब क्या है, ये सब बाहरी ढंग से मतलब जो दिखावा किया जा रहा है, तो इनको लेकर ये जो अंधविश्वास है, तो मतलब धर्म इस रूप में बिगड़ा हुआ था बोल के वही। और अवतारों की लीलाओं का खूब प्रचलन हुआ, जैसे कृष्ण अवतार है तो उसकी कई सारी लीलाओं का प्रचलन हुआ। जैसे आप सूर सागर को पढ़ेंगे तो सूर सागर में कृष्ण और गोपिकाओं का जो संबंध है उसको बिगाड़ कर रीतिकाल में दिखाया गया। तो श्री कृष्ण की 1600 पत्नियां हैं जो वो बात कही जाती, तो ये गलत भी है। मतलब उनका जो वहां पे भक्ति का जो स्वरूप है, जैसे मीरा की जो भक्ति का स्वरूप है, तो उस ढंग से मतलब पति भक्ति जैसे यदि भक्ति भी है, लेकिन उसको इस ढंग से नहीं कहा जा सकता कि वो सारी इनकी पत्नियां थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको लीलाओं में इनको तब्दील करना, मतलब काल की परिस्थितियां, लोग कैसे कैसे सोचने लगते हैं। तो एक समय ईश्वर का मतलब तो वो हमारे अंदर है, हम एक पवित्र जो माना जाता था, और दूसरे ढंग से मान लीजिए चलो उनके अवतार होते हैं, विष्णु के इतने सारे अवतार हुए, वहां तक जो है सूर सागर तक जो भक्ति है, तो उसकी कुछ सीमाएं थी। आगे जाकर इन अवतारों में, इन लीलाओं में, तो वो श्रृंगारिकता आ गई और कई तरह की विकृतियां आ गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण लीला, राम लीला का प्रचलन जो हुआ,
तो ये केवल भक्ति की लीला नहीं थी, इसका कोई और भी मनोविनोद था, और भी कुछ दृष्टियां थी इसके अंदर, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो भक्ति काल में तो जो भी मध्वाचार्य, निम्बार्क, चैतन्य, वल्लभाचार्य संप्रदाय जो भी प्रचलित हुए थे, वहां पे राधा की भक्तिभाव की भक्तिभाव का प्रधानता थी, किंतु इस काल में राधा को परकीय भाव की नायिका मात्र रह जाना पड़ा। मतलब वो एक नायिका है, तो मतलब कृष्ण उस नायिका को पाने के लिए जो कोशिश करता, उस दृष्टि से उसका वर्णन होने लगा। तो ये जो है, मतलब पहले जो दृष्टि थी वो दृष्टि बिगड़ती गई, यही तो कहने का आशय है इसमें। रीतिकाल में तो हम सोचने का हमारा तरीका ही बदल गया था। तो नायक नायिका नायकी नायक भेद को रीतिकाल के कवियों ने परकीय भाव में खोल लिया और कहा, जैसे आगे के सुकवि रीजी हैं तो कविताई, ना तो राधिका कान्ह सुमरिन को बहानो है। तो मतलब ये जो भी पंक्तियां इस ढंग से आई, तो इसका आशय यही था कि मतलब जो भक्ति का जो तरीका था, धर्म का जो स्वरूप था, तो वो भोग विलास वाले कालखंड में उसका स्वरूप बदल गए, यही तो आशय है यहाँ पे कहने का। मतलब धार्मिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की दृष्टि से हम इस कालखंड को समझे, भोग विलास का कालखंड होने की वजह से उसको उसी दृष्टि से समझने लगे। कोई सवाल कर रहे या पूछिए सर? या पूछिए सर, मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। आप अभी साहित्यिक परिवेश के बारे में पढ़ा रहे हैं या दरिश्? हाँ, मैं तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में बता रहा हूँ अभी, ठीक है? धार्मिक परिस्थितियों के बारे में बता रहा हूँ, मगर इसमें साहित्य को लेकर ही उसका स्वरूप क्यों धर्म के रूप में कैसा बदला और क्या है वो बता रहा था मैं, ठीक है? तो इस काल की आप जस्ट आप मुझे पिन कर लीजिए, जहां मेरा नाम है वहां पिन कर लीजिए, आपको स्क्रीन दिखेगा, तो उस पे प्रेजेंटेशन पे आपको क्लैरिटी होगी। तो उसमें रीतिकाल के धार्मिक एवं सांस्कृतिक अच्छा, तो इसलिए आप मेरे प्रेजेंटेशन पे क्लिक कीजिए, मेरा नाम जहाँ है उसको क्लिक कीजिए, आपको प्रेजेंटेशन भी दिखेगा। प्रेजेंटेशन नहीं देख पा रहे? ओके सर, मैं अभी पृष्ठ संख्या या पृष्ठ संख्या 80 में रहा था, मैं उधर ही देख रही थी। ओके सर, लेट मी, ठीक है, मैं अभी देख रहा। बाकी लोग प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं कि नहीं, कोई बताइए मुझे, प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? नहीं सर, आप दिख रहे हो अभी स्क्रीन पर। तो आप लोगों ने बताया नहीं है? मैं देख रहा था। हाँ, स्क्रीन स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? नो सर। एक मिनट, हाँ, आप प्रेजेंटेशन मोड में ही था, मैं प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपके यहाँ पे जो भी आइकन्स हैं, तो आप उसमें ना जाकर किसी और पे जाएंगे तो वही दिखेगा। तो आप ऐसा कीजिए, स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, तभी दिखेगा आपको। जस्ट मैं अभी प्रेजेंटेशन रेज्यूम करूंगा, तो उसको उस पे पिन कर सकते हैं आप। इसमें देखिए, एक तो ऐसा सिंबल आता है जिसमें पिन सिंबल होता है, उसको क्लिक करेंगे तो वहां प्रेजेंटेशन दिखेगा आपको। यहाँ पे मुश्किल से 20 यूजर है, तो मेरे नाम वाले यूजर पे आप प्रेजेंटेशन देखे, मेरे नाम दो है यहाँ पे, एक मेरे नाम है डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, फिर दूसरा मेरे नाम का प्रेजेंटेशन है डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, उस वाले पे क्लिक करेंगे निश्चित तौर पे आपको प्रेजेंटेशन भी दिखेगा। ओके, मैं फिर प्रेजेंटेशन पे ले जा रहा हूँ आपको। थैंक यू सर। या तो अभी दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन? हाँ जी। ठीक है। तो हम वही रीतिकाल की धार्मिक परिस्थितियों में आगे बढ़ते गए। तो जैसे इस काल की कविता में भक्ति का यही रूप सामने आता है, युग के कवि सूरदास और नंददास की परंपरा का अनुकरण नहीं कर रहे थे, ये तो सारवत मैंने कह दिया। तो मतलब सूरदास ने जिस भक्ति परंपरा को फैलाया था, नंददास ने जो भी उनकी भक्ति थी, तो वो भक्ति इस कालखंड में नहीं थी। कृष्ण यहाँ भी पे था, गोपिकाएं यहाँ पे भी थी और राधिका यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पे उनका स्वरूप जो है भक्ति का स्वरूप वैसा नहीं था, ये सार है। तो युग के कवि जैसे सूरदास और नंददास की परंपरा का अनुकरण
नहीं कर रहे थे बल्कि उसकी श्रृंगारिकता को विकृत रूप में प्रस्तुत कर रहे थे और उस काल के बौद्धिक ह्रास का ही ये परिणाम है आलोचकों की दृष्टि से। और इस काल में सूर सागर के स्थान पर ब्रज विलास ही लिखा जा सकता था। तो सूर सागर और ब्रज विलास की वस्तु मतलब इसके बीच में जो कृष्ण और गोपिकाएं और जो भी वृंदावन है तो उसमें सूर सागर में जो भक्ति है ब्रज विलास में जो भोग विलास है यही तो फर्क है। तो रीतिकाल में ब्रज विलास जैसी ही रचना आ सकती थी क्योंकि काल की परिस्थितियां ऐसी थी। और लक्ष्मणाचार्य की चंडी कुछ पंचाशिका में गौर श्रृंगार के विकृत उदाहरण ही दिए जा सकते थे। तो जैसे आप मूवीज को लेकर भी जैसे 30s-40s की मूवीज 60s-70s की मूवीज और अभी की मूवीज को देखेंगे तो उस समय तो एकदम बड़ा अक्षरों में लिखते थे ए, तो आज ए का कोई मतलब नहीं, यू का कोई मतलब नहीं है, मतलब जो भी श्रृंगारिकता भी हो या भी जो भी हो उस ढंग से, तो मतलब उसको समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि साहित्य का स्वरूप क्या बना हुआ था। और इस काल के स्थापत्य कला और चित्रकला संगीत कला भी विलासिता का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आप बोलिए सर, बौद्धिक ह्रास, बौद्धिक ह्रास का मतलब हमारा बुद्धि चक्र, मतलब हमारी बुद्धि चक्रा गई थी, जैसा मतलब हम जैसे सोचते थे, मतलब ईश्वर को ईश्वर मान के ईश्वरीय दृष्टि जो रखते थे वो दृष्टि ह्रास होके उनको भी श्रृंगारिक दृष्टि से देखने लगे, ठीक है, मतलब ईश्वर को ही नंगा करके हम देखने लगे। जैसे आप देखेंगे स्थापत्य चित्रकला की दृष्टि से भी देखें मुगलों के काल की और उसके बाद के काल की, तो उसमें आपको तमाम जो भी चित्र दिखेंगे तो ऐसे ही उसमें दिख जाएंगे। शाहजहां के काल में स्थापत्य और चित्रकला में अलंकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, ये सांस्कृतिक दृष्टि से आप देखेंगे। जैसे औरंगजेब के शासन के काल में कला का ह्रास होता गया, मतलब नष्ट होता गया। और 18वीं शताब्दी में अवध के नवाबों ने स्थापत्य और चित्रकला की मृत परंपरा को जीवित करने का प्रयास किया मगर इनमें मौलिक प्रतिभा का अभाव था और संगीत में भी मौलिकता नहीं थी। और अवध में संगीत का प्रश्रय मिला अवध में, फिर अन्य क्षेत्रों की भांति इस काल में भी संगीत में गंभीरता का अभाव था, मतलब साहित्य में गंभीरता नहीं थी, कला में गंभीरता नहीं थी, उसी ढंग से संगीत में भी, और विलासिता का इसमें भी प्रभाव दिखाए जाने लगा। और इस काल में संगीत के अलंकरण में रसिकता बढ़ गई, ठीक है। और कला के चमत्कारवाद ने इसकी संपूर्ण चेतना को खास ढंग से व्यक्त किया, व्यक्ति ने व्यक्त सो पड़ी है वहां पे। और कला में सोने का रंग, मणियों का जड़ाव, नक्काशी और तराश आदि, मतलब ये सब जो समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपको मैंने शुरू में ही कहा जैसे ताजमहल मूर्ति कला का विस्तार है तो दीवाने कास्ट चित्रण कला का रंग है। इस ढंग से एक तरफ से कुछ तो विकास दिखा है आपको सांस्कृतिक ढंग से, और दूसरी ढंग से जो भी है यहाँ पे, जैसे औरंगजेब ने ललित कलाओं को कम प्रश्रय दिया और विशिष्ट ढंग की मस्जिदें और मकबरे बनवाए, और लाहौर की जामा मस्जिद का कला दृष्टि से नकल ही थी। और स्थिति की दयनीयता के कारण कला क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया और चित्रकला पर पहले तो अरबी फारसी का दबदबा रहा और बाद में इसका भारतीकरण भी हो गया। और राजपूत शैली की चित्रकला का विकास राजस्थानी सामंतों के दरबारों तथा प्रेरणा से हुआ और चित्रों में पशु पक्षी थोड़े सा और गति हम बढ़ाएंगे तो एक यहाँ स्टेटमेंट देखिए भारत की चित्रकला की दृष्टि से, एक कोट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस काल की चित्रकला के संबंध में कला मर्मज्ञ रामकृष्ण दास ने जो लिखा है भारत की चित्रकला में, वो कोट यहाँ पेश कर रहा हूँ। अब चित्रों में हद से ज्यादा रियाज, महानिकारी महीनकारी और रंगों की खूबी तथा शान शौकत एवं अंग प्रत्यंगों की लिखाई, विशेषतः हस्त मुद्राओं में बड़ी सफाई और कलम में कमजोरी न रहने पर भी दरबारी अरब कायदों की जकड़ बंदी और शाही दबदबे के कारण इन चित्रों में भाव का सर्वथा अभाव बल्कि एक प्रकार से सन्नाटा सा पाया जाता है, यहाँ तक कि जी उबने लगता है। तो ये स्थिति थी कुल मिलाकर, मतलब जो काल की परिस्थितियां हैं उसी ढंग से तो जो भी हम धर्म और संस्कृति को वहां देखेंगे। तो राजस्थानी चित्रकला शैली, कांगड़ा शैली, इन सबका भी विकास इसी काल में हुआ था और केशव बिहारी मतराम देव का काव्य चित्रों में उतरते गए।
कला स्त्री सौंदर्य के अंकन में डूबे रहे। और रीति काव्य का इन स्त्री चित्रों से सीधा संबंध है यह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम नायक नायिका भेदों से संबंधित साहित्य इसको कहते हैं। तो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी अपनी जगह है, जस्ट इसको एक दो पॉइंट्स आप देख लीजिए इसमें, क्योंकि हमें रीति साहित्य को लेकर ज्यादा और अध्ययन करना रह गया है, तो जिसके हिसाब से हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ी और गति के साथ हम आगे बढ़े। तो जैसे सामाजिक दृष्टि से देखें तो समाज को दो वर्गों में विभक्त देखा जा सकता है, एक उत्पादक वर्ग मतलब प्रोड्यूसर्स, दूसरा उपभोक्ता वर्ग जो उपभोगी है उसका उपयोग करने वाले हैं। तो उत्पादक वर्ग के अंतर्गत कृषक समुदाय और श्रमजीवी ये सब थे, तथा उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत राजा से लेकर उनका दरबान और दास तक शामिल थे। इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था, एक शासित था दूसरा शासक, एक शोषित था दूसरा शोषक। तो इनके अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग था जिनका संबंध निम्न और मध्य वर्ग से था, और उच्च वर्ग के संस्कारों का आशा आकांक्षाओं का प्राबल्य था। तो रीति काव्य का संबंध जो है बिल्कुल निम्न वर्ग से नहीं है, तो ये तो उन लोगों से है मतलब जो भी पहुंचे हुए लोग हैं मतलब संपन्न हैं, तो उनसे संबंधित ये है, क्योंकि इस काल की नायिका खेत में काम करती हुई या गोबर पोती हुई स्त्री नहीं हो सकती थी। जैसे आपको प्रेमचंद के गोदान में आप देखेंगे नायिका को, तो वैसी नायिका आपको इस काल में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो श्रृंगार काल है और संपन्न वर्ग का साहित्य है इसमें, तो इसलिए फिर आपको ऐसे गरीब की ओर किसी की दृष्टि ही नहीं गई। तो इसलिए इसको देख लेकर ये तो दरबारों का साहित्य है और राजा और उनके सामंतों के लिए लिखा गया साहित्य है, और जो भी ऐश्वर्य वाले पैसे वाले हैं तो उनके लिए लिखा गया साहित्य है उस ढंग से, तो राजाओं की विलासिता से संबंधित साहित्य है, इस दृष्टि से इसकी आलोचना की गई है। तो इसमें मतलब इस वैभव प्रदर्शन ने ही इस विलासिता को जन्म दिया था, तो पूरा साहित्य उसी ढंग से विकसित हुआ है। तो रीतिकाल के कवि पद्माकर ने तो उस काल की जो मतलब जो भी वर्णन किया है उनको अपनी कविता में, तो उसको पढ़ने से आपको उसकी परिस्थिति ढंग से समझ में आ जाती है। तो ये पंक्तियां आप पढ़ लेंगे, वैसे गुल गली गिल में गलीचा है गुनी जन है, चांदनी है चिक है चरागन की माला है, कहें पद्माकर क्यों गजक गिजा है सही, सेज है सुराही है सुरा है और प्याला है, सेज है सुराही है सुरा है और प्याला है, इसी में आप समझ गए। शिशिर के पाला के प्याला पाला के व्यापत कसीला तिन है, जिनके अधीन एते उदित मशाला है, तन तुक ताला है विनोद के रसाला है, सुबाला है दुशाला है विशाला चित्रशाला है। तो मतलब उस युग की श्रृंगारिकता और बाकी सारी बातों को लेकर तो इसी एक पद्य में आप समझ जाएंगे। तो रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों को समझने के लिए मैं आपको दूसरे प्रेजेंटेशन में ले जाता हूँ, और रीति काव्य की शास्त्रीय परंपरा के नाम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि तो उस समय की परंपरा कैसे थी, तो उसको मतलब बेहतरीन ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने दूसरा प्रेजेंटेशन आया ना रीति काव्य से संबंधित? जी हाँ, जस्ट कंफर्म कीजिए। तो रीति काव्य की अवधारणा तो हम समझ चुके थे पहले, मैंने कह दिया था रस अलंकार शब्द शक्ति छंद आदि से संबंधित काव्यांगों और काव्य रचने की जो पता है पैटर्न है उससे संबंधित बात को ही हमने रीति कहा। तो बस उससे संबंधित जो काव्य शास्त्र काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं तो उसी के आधार पर हमने उनको रीति ग्रंथ कहा या उसको रीति शास्त्र हमने कहा था। तो रीति काव्य क्या है मतलब उस ढंग से लिखा गया काव्य ही रीति काव्य है। तो केशव दास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं, और उनके रामचंद्र का रीति काव्य है। तो मतलब यहाँ पे इस बात को समझिए, एक तो काव्य किस ढंग से लिखना चाहिए, उसमें अलंकारों का प्रयोग कैसा हो और छंदों का प्रयोग कैसा हो, रसों का प्रयोग कैसा हो, रस वर्णन कैसा हो, ये सारी बातें जो भी लिखी गई उनको हम कहते हैं रीति ग्रंथ या रीति शास्त्र कहेंगे। तो इस प्रकार के ग्रंथों के उदाहरण के रूप में आप केशव दास लिखित कवि प्रिया और रसिक प्रिया को ले सकते हैं, तो जिसमें उदाहरणों के माध्यम से जो है
काव्य सिद्धांतों को समझाया गया, काव्य लिखने की रीति समझाया गया है और उसका एप्लीकेशन टोटली रीति काव्य कहलाता है, मतलब एकदम उसको समझ के उस ढंग से लिखना। तो उसका उदाहरण रामचंद्र का है, तो मतलब केशव दास ने भी उस समय रामायण अपने ढंग से लिखने की कोशिश की है, वही रामचंद्र का है। तो रामचंद्र का आप देखेंगे तो आपको रीति काव्य का वही एक उदाहरण है। और देव के भाव विलास और रसिक विलास आदि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और देव शतक रीति काव्य है। यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, रीति काव्य क्या है, रीति ग्रंथ क्या है। रीति ग्रंथ का मतलब जिसमें किस ढंग से काव्य लिखना चाहिए और उसमें अलंकार रस छंद का प्रयोग कैसा हो, ये सारी बातें जो लिखी जाती है तो उससे संबंधित काव्य मतलब रचना को ही आप कहेंगे रीति ग्रंथ, ठीक है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ उनको मान लीजिए। रीति काव्य का मतलब उनका अनुप्रयोग करते हुए लिखे गए, जैसे देव का देव शतक जो है वो रीति काव्य है, ठीक है। और पद्माकर के पद्मावरण और जगत विनोद ये काव्य शास्त्र के ग्रंथ है और हिम्मत बहादुर विरुद्धावली और प्रताप सिंह विरुद्धावली ये रीति काव्य है। तो मतलब ये तीनों जो नाम आपको दिख रहे हैं, एक तो केशवदास, एक देव, एक पद्माकर, इनको मतलब इस टाइप में इन्होंने जो भी ये सब लिखा है लाल रंग में जो मैंने दर्शाया यहाँ पे, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, भाव विलास, रास रस विलास, पद्माभरण और जगत विनोद, ये जो कृतियां हैं इनकी, ये काव्य शास्त्रीय रचनाएं कहलाएंगे, इनको रीति ग्रंथ कहेंगे। तो इसमें काव्य की रचना किस ढंग से किया जाए उसे संबंधित है। तो इसलिए ऐसे लिखने वालों को आचार्य कहा जाता था, केशवदास को आचार्य केशवदास कहेंगे, आचार्य देव कहेंगे, आचार्य पद्माकर कहेंगे। तो किसी के साथ वो प्रीफिक्स आपने सुना भी ना हो, लेकिन मतलब जिन्होंने रीति ग्रंथ लिखा है उनको हम कहेंगे आचार्य। तो ये आचार्य परंपरा के कवि थे और उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तो उनको अपनाने की भी कोशिश उन्होंने कुछ कृतियों में की है, वैसी कृतियों को हम रीति काव्य कहेंगे। तो उन रीति काव्यों की परंपरा में जैसे केशव की रामचंद्र का और देव के देव शतक और पद्माकर का हिम्मत बहादुर विरुद्धावली और प्रताप सिंह विरुद्धावली, ऐसे काव्यों को उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। तो यहीं पे फिर वही मैंने लाया, रीति ग्रंथ और रीति काव्य। रीति ग्रंथ और रीति काव्य दोनों शब्दों में देखने के लिए तो समानता दिख जाती है, लेकिन ये भिन्न है। ग्रंथ, कृति, काव्य कुछ भी कहें, सामान्य अर्थों में ये सामान्य है, लेकिन यहाँ पे रीति ग्रंथ का मतलब वो लक्षण ग्रंथ है और रीति काव्य का मतलब वो सृजनात्मक काव्य है, उसमें उन लक्षणों को अपनाया गया होगा, ठीक है। तो यही दृष्टि यहाँ अपनाना चाहिए आपको, रीति ग्रंथ शब्द लक्षण ग्रंथों के लिए और रीति काव्य जो है लक्ष्य ग्रंथों के लिए। लक्ष्य का मतलब बस उन्हीं का एप्लीकेशन वहां पे है और रीति निरूपण की दृष्टि से यह शुद्ध कलाकाल है, ठीक है। और इसमें दो तरह के कवि दिखाई देते हैं, तो एक वर्ग वो है जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण कहते थे और दूसरा वर्ग उन कवियों का है जो रीति शास्त्र में पारंगत होने पर भी लक्षण उदाहरण के चक्कर में ना पढ़कर केवल लक्ष्य ग्रंथ की रचना करते थे। यहाँ पे दो प्रकार के ग्रंथ, एक लक्षण ग्रंथ, दूसरा लक्ष्य ग्रंथ। तो यहाँ समझ गया, एक तो रीति ग्रंथ, एक रीति काव्य। कुछ लोग ऐसे थे जैसे मैंने अभी कहा, तो केशवदास हो, पद्माकर हो, देव हो, ये लोग जो है रीति ग्रंथ लिखने वाले थे, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल इनको ध्यान ना देकर केवल रीति काव्य पर ध्यान देने वाले थे। तो वही यहाँ उदाहरण कहा, तो मतलब लक्षण ग्रंथ ना लिखकर लक्ष्य ग्रंथों पर ध्यान देने वाले लोग भी थे। तो इस हिंदी रीति काव्य के पीछे एक समृद्ध रीति शास्त्र की ताकत थी जिसमें काव्य के सभी संप्रदायों का सूक्ष्म गहन विश्लेषण विवेचन हो चुका है। तो रीति ग्रंथों की जो निरूपण शैली है तो उसको भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये काव्य प्रकाशकर आप जानते हैं, ये आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा होगा मम्मट। तो मम्मट की निरूपण शैली एक है और दूसरा रसमंजरी, श्रृंगार तिलक आदि श्रृंगार पर नायिका भेद वाली शैली। तो नायिकाओं के चार प्रकार के जो भी भेद बताते हैं तो उस भेद वाली मतलब नायिकाओं के अलग अलग रूपों की वो बात वाली शैली एक है। और तीसरा जो है जयदेव के चंद्रलोक की अलंकार निरूपण शैली। तो इस प्रकार तीन शैलियां जो रीति ग्रंथों में आपको निरूपण शैलियों के रूप में आपको मिल जाती है। तो रीति ग्रंथों की निरूपण शैली में फिर मम्मट की निरूपण शैली में चिंतामणि का कविकल्प तरु, यहाँ उदाहरण दे रहा हूं मैं, चिंतामणि कवि का नाम है मतलब आचार्य का। तो उनकी कविकल्प तरु, काव्य विवेक और कुलपति मिश्र एक कवि है उनका रस रहस्य, और देव का काव्य रसायु
और प्रताप शाही का काव्य विलास, ये सारी कृतियां आ जाती हैं। और दूसरी शैली में ये जो ग्रंथ आते हैं तो उसमें मतलब नायक नायिका वेद के, नायिका वेद से संबंधित जो भी है, तो उसमें रसिक प्रिया, यहाँ प्रया है उसको प्रिया पढ़ लीजिए कृपया, और रस विलास और बेना प्रवीण का नवरस तरंग, ये सारी कृतियां उसमें आती हैं। और अलंकार निरूपण शैली जिसको हमने तीसरी परंपरा मानी है, तीसरी पद्धति मानी है, उसमें चंद्रलोक का कुवलयानंद जैसे अनुकरण मूलक अलंकार ग्रंथ आते हैं। इस शैली में जसवंत सिंह का भाषाभूषण, सुरति मिश्र का अलंकार, इसकी उनकी अलंकार माला और पद्माकर का पद्माभरण आदि उल्लेखनीय ग्रंथ है इस सृष्टि से। और रीति निरूपण शैली जैसे हमने तीन प्रकार शैलियों की जो बात की है, तो ये वो मतलब रीति शास्त्रीय जो शास्त्रीय दृष्टि है उसको पुष्ट करते हैं। तो फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि रीति काव्य के कौन से प्रमुख भेद थे। तो जैसे अभी तक हम समझ गए हैं, लेकिन इसको क्या संज्ञाएं दी जाती है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक रीतिबद्ध है और दूसरा रीति सिद्ध है और तीसरा रीति मुक्त है। तो जैसे आपने आचार्य कवियों की बात सुनी है तो रीतिबद्धता उनकी है, और दूसरे प्रकार के लक्ष्य ग्रंथ लिखने, मतलब लक्षण ग्रंथ लिखने वालों को हम रीतिबद्ध कहते हैं, लक्ष्य ग्रंथ लिखने वालों को रीति सिद्ध कहते हैं। बिल्कुल इन दोनों से कोई मतलब ना लिखते हुए लिखने वालों को हम रीति मुक्त कहते हैं। बस यही मतलब रीतिकालीन साहित्यिक परंपरा में रीतिबद्ध कहने वाले आचार्य कवि जो भी थे वो लक्षण ग्रंथ लिखते थे, और रीति सिद्ध कहने वाले वे उस पे पाइट लगाकर मतलब रस चंद अलंकारों का और अन्य जो भी शास्त्रीय दृष्टि से जो काव्यांग है उनके प्रयोग करने में सिद्धता हासिल करके जो लिखते थे उनको रीति सिद्ध कहते हैं। बद्धता जो है बस आचार्यत्व की बद्धता मान लीजिए, मतलब लक्षण ग्रंथों के लेखन की बद्धता मान लीजिए। सिद्धता का मतलब उसमें सिद्धि हासिल करके उनका प्रयोग करने की परंपरा मान लीजिए, और मुक्ति का मतलब बिल्कुल उनसे लेना देना नहीं है, वो रीति मुक्त। ये तीन साहित्यिक दृष्टि से भेद हम मानते हैं। तो रीतिबद्ध तो समझा दिया था मैंने, जैसे ये सारे काव्यांगों का प्रयोग करके जो कहलाते हैं। तो ये वर्ग ज्यादा बड़ा वर्ग था, और मतलब ज्यादा लक्षण ग्रंथ लिखने वाले ही ज्यादा लोग थे उस समय, और इस काल के अधिकांश कवि रीतिबद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिबद्ध कवियों को रीति ग्रंथकार कवि के शीर्षक से लिखा, उनके साहित्य के इतिहास में लगभग 57 कवियों की उन्होंने चर्चा की है। तो कई सारे कवि थे, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रमुख कवियों के नाम हम यहाँ उल्लेख कर चुके हैं, बाकी आप पुस्तक में पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास के रेफरेंस के रूप में बुक्स पढ़िए, ताकि आप सारे कवियों के नाम आपके सामने आ जाएंगे। और रीतिबद्ध काव्य के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ग के कवियों का प्रमुख उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था, यही मुख्य उद्देश्य उनका था, इसलिए उनको आचार्य कवि हमने कहा। तो हमारे पास मुश्किल से 5 मिनट ही बचा हुआ है, इसमें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नगेंद्र ने जिनको रीतिबद्ध नाम दिया था उनको रीतिकार और आचार्य कवि भी वो नाम भी उनके प्रचलित है, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम, जसवंत सिंह, देव, कुलपति मिश्र, मिक्स है वहां पे, मिश्र पढ़ लीजिए, भिखारी दास, भूषण, पद्माकर आदि रीतिबद्ध कवि हैं। और रीतिबद्ध कवियों के दो और उपवर्ग है, एक तो सर्वांग निरूपक, एक विशिष्टांग निरूपक। जैसे सर्वांग मतलब यहाँ जो भी काव्यांग है सभी अंगों का निरूपण जो करता है उसको सर्वांग निरूपक कहते हैं, और जो किसी एक अंग पर, विशिष्ट अंग पर प्रकाश डालते हैं उनको विशिष्टांग निरूपक कहते हैं। तो यही एक्सप्लेनेशन मैंने किया, सर्वांग निरूपक कौन है, विशिष्टांग निरूपक कौन है। तो उसमें देव सर्वांग निरूपक है और पद्माकर विशिष्टांग निरूपक है, उदाहरण के लिए आपको, और भी कवि आपको मिल जाएंगे। पद्माकर ने केवल रस तथा अलंकार का निरूपण किया है, जबकि देव ने सभी अंगों का निरूपण उसमें करने की कोशिश की है। और रीति सिद्ध जैसे मैंने कहा था, जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं उनको हमने रीतिबद्ध कहा, और लक्षण ग्रंथों में जिन लक्षणों की बात हुई उनको लक्ष्य बनाकर सीधा काव्य रचना करते हैं उनको हमने रीति सिद्ध कहा। तो रीति सिद्ध को ही आप रीति काव्य कहेंगे, बस इतना। तो रीति सिद्ध कवि वे लोग थे।
और इस कोटि के कवियों में बिहारी सर्वप्रथम है, और इसी श्रेणी के अन्य कवियों में बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि और राम सहाय, सेनापति, विक्रम आदि के नाम लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको, जो भी जितने भी नाम हैं ये भी सैकड़ों में नाम है, लेकिन कुछ प्रतिनिधि कवियों के नाम ही हम यहाँ देख रहे हैं। और रीति मुक्त जो परंपरा है, मतलब बिल्कुल ना लक्षण ग्रंथों की ओर उनका ध्यान था, ना ही लक्ष्य ग्रंथ, मतलब मुक्त रूप से वो लिखते थे, उनका कोई मतलब रीति परंपरा का बिल्कुल उन पर कोई प्रभाव नहीं रहा, ऐसे कवियों को हम रीति मुक्त कवि मानते हैं, जैसे गणानंद हो, आलम हो, बोधा हो, द्विजदेव हो आदि, तो इस वर्ग में आते हैं। और इन कवियों ने जो भी काव्य लिखा तो ये लोग वह रूढ़ी विरोधी मतलब जो रूढ़ियां थी काव्य रचना की रूढ़ियां, तो उनको अपनाए नहीं, और मूलतः स्वच्छंद प्रेम भावना के ही काव्य एक कहला सकते हैं। बिल्कुल मतलब हमने जैसे नायक नायिका भेद की बात भी यहाँ नहीं आती, प्रेम इनका स्वच्छंद था, जैसे गणानंद का प्रेम आप पढ़ते हैं वहां पे मध्यकालीन काव्य में, और इसमें प्रेम की अनुभूति का जो पक्ष है वो प्रधान था, और यह किसी भी प्रकार की शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन नहीं करता था। तो जैसे आप अलग अलग रूपों में नारी को देखते हैं, तो मतलब नायिका को देखते हैं, तो उस प्रकार के कोई नहीं थे यहाँ पे, केवल ये लोग तो विशुद्ध प्रेम की दृष्टि से वहां पे दर्शाया है नायिका को। तो इसमें सबसे पहले केशव दास ने काव्य के मतलब रीति काव्य के प्रवर्तन के संबंध में यहाँ बात है कि काव्य के सभी अंगों का शास्त्रीय विवेचन किया था, तो उनका तो कवि प्रिया इसके लिए प्रसिद्ध है। और फिर बात आगे बढ़े तो चिंतामणि और फिर चिंतामणि मतलब जिनका काल केशवदास के 50 वर्ष बाद आता है, उन्होंने भी कई सारे लक्षण ग्रंथों का सृजन किया था। और केशवदास ने जिस काव्य शास्त्रीय परंपरा के आधार पर काव्य का विश्लेषण किया था वो पुरानी पद्धति थी, और हिंदी के रीति कवियों ने उसका अनुसरण नहीं किया, मतलब वो उस समय के लिए बस ठीक था, बस आगे जाकर फिर कई लोगों ने उसको अपनाया नहीं है। और केशव अलंकार को प्रधान मानने वाले चमत्कारी कवि थे, जो अलंकार और अलंकारी के भेद को नहीं कर सके थे। हिंदी के कवि चंद्रलोक और कुवलयानंद की परंपरा का अनुसरण कवियों ने उस पुरानी परिपाटी को छोड़ दिया, और हिंदी में इस परंपरा का अनुसरण करने वाले पहले रीति कवि चिंतामणि त्रिपाठी है, जिन्होंने 1643 के ईस्वी के आसपास काव्य विवेक, कल्पतरु और काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखे हैं। तो रीति काव्य की इन तीनों मतलब अलग अलग साहित्यिक रूपों को समझने के बाद रीतिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों को हम समझेंगे। जैसे आप तो जानते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, तो दरबारी काव्य परंपरा ज्यादा थी, और सामंतों के पास दरबारों में जाकर ये लोग पलने फूलने लगे कवि लोग, और खूब विलासिता के बीच में लिखने लगे, तभी तो उनकी विषय वस्तु वैसी थी। और दूसरा तो राजा लोगों से जो भी अनुदान मिलता था, तभी तो इनकी इनका ध्यान उस ओर गया, तो उनकी अपनी कोई चिंताएं नहीं होती थी, तभी तो अलंकार निरूपण और श्रृंगार चित्रण, बारहमासा वर्णन, नायक नायिका भेद, ऐसे नक्षिक वर्णन की ओर उनका ध्यान जाता था। और संस्कृत की रीतिवादी परंपरा का अनुकरण केशवदास, चिंतामणि, मतिराम एवं भूषण आदि ने किया था। कथ्य और कथन दोनों की भंगिमा में सामंत वर्ग की सौंदर्याभिरुचियों का पोषण किया, मतलब जो जिनके पास जिनका नमक खाते थे वो लोग जैसे चाहते थे उनके ढंग का वो बना देते थे, मतलब काफी सृजन करते थे। तो कविता काम, कामिनी और सुरा के पास चक्कर काटकर ही सीमित क्षेत्र में बैठ गए थे, ये आलोचना है उसकी प्रतिकाल की। और सामंत वर्ग 17वीं-18वीं शताब्दी में इतना पतित हुआ, इतने भ्रष्ट हुए कि दरबारी काव्य परंपरा पर उस पतन की सीधी छाप दिखाई देती है। और रीति काव्य का श्रृंगार रसवादी ना होकर चमत्कारवादी और झूठा एवं कृत्रिम किया, मतलब श्रृंगार रस को रसराज मानते हैं, लेकिन ये श्रृंगार वैसा श्रृंगार नहीं रहा। श्रृंगार का वर्णन यहाँ तक कि आप सूरदास की कृतियों में भी श्रृंगार देखेंगे, और आप तुलसीदास के पास भी किसी प्रकार के श्रृंगार को देख पाएंगे, लेकिन यहाँ जो श्रृंगार आता है तो उसी श्रृंगार के बारे में ये आलोचना है कि वो चमत्कारवादी, झूठा एवं कृत्रिम है। तो जीवन एवं काव्य के प्रति रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्तियों का दृष्टिकोण केशव दास के दो दोहों में मिल जाता है। तो केशव केशन अस करी, जसी हरि हु ना कराही, और चंद्र वदन मृग लोचनी, बाबा कही कही जाही। तो यद्यपि सुजाति सुलच्चनी, सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिन ना विराजई, कविता बनिता मित।
तो ये पंक्ति काफी प्रसिद्ध है, भूषण बिन ना विराजय कविता बनिता मित। तो इसमें मतलब उनका श्रृंगारिकता और रस के प्रति उनकी जो धारणा है वो स्पष्ट हो जाती है। क्षीण रसवादिता और विकृत अलंकारवाद की ये जो प्रवृत्ति है, रीति शास्त्र को सरांध ने इस कविता को धकेल दिया है और इसकी काफी आलोचना हुई है। आगे जो है आधुनिक काल का उदय भी इसी दृष्टि से मानते हैं कि जो विलासिता थी उसकी वजह से जो हमारी प्रवृत्ति में जो कमी नजर आई उसकी वजह से फिर आधुनिकता का उदय हो गया, ये बात कही जाती है। ये जो लाल रंग में मैंने दिखा है वो सारी आलोचनाएं हैं रीति ग्रंथों को लेकर, रीति साहित्य को लेकर। तो रीति ग्रंथों का निर्माण इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति तो है, लेकिन उसकी वजह से जो है मतलब जो समाज उपेक्षित रहा और समाज में नीचे तबके के लोग जो भी वंचित है तो उनकी बात बिल्कुल कहीं नहीं आई साहित्य में, तो ये सबसे बड़ी कमी रह गई थी उस वक्त। आई भी तो जैसे कहीं कहीं रीतमुक्त कवियों के माध्यम से थोड़ी सी बातें आ गई, लेकिन वो भी बहुत कम है। तो बस इसमें मूलतः जैसे आप समझ गए तो लक्षण ग्रंथों को और उनके सिद्धांतों को रचने में ही इन लोगों ने रुचि ली और बाकी भोग विलासिता से संबंधित साहित्य सृष्टि में ही इनकी रुचि थी। और कुल मिलाकर जो भी मनोवृत्ति मतलब सामंतों की थी, उनकी मानसिकता थी, वो लोग जैसे चाहते थे उस प्रकार का साहित्य का निर्माण हुआ था अधिकतर। और बाकी जो रीति ग्रंथों की बात है ये तो मैंने पहले ही कही थी। और इसमें देव और अन्य जो भी कवि हैं तो उनको लेकर कुछ बातें मैंने की हैं। और चूंकि आपका समय काफी हो चुका है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी मैंने ले लिया है, और जस्ट ये तो उनकी कविताएं उनका आचार्यत्व को लेकर कुछ मुख्य बातें हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको कल बताया था ना कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जस्ट इसमें मतलब आपका नोट जो विस्तार से है उसका ब्रीफ वर्शन है, तो इसमें सार सार मैंने दे दिया ताकि आप इनके आचार्यत्व को एक एक कवि के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। कुल मिलाकर हमने रीतिकालीन परिस्थितियों को समझा और समझने की कोशिश किया और उन परिस्थितियों में उन काल की विशेषताओं के बीच में किस प्रकार का साहित्य आया और उसको किस प्रकार हम मान सकते हैं। और दूसरा जैसे बिहारी को जिस रीति सिद्ध कवि कहा, केवल 713 मुक्तकों से कितने प्रसिद्ध वे हो गए, तो वो सारी बातें आप समझ जाएंगे। फिर गणानंद को विशिष्ट रूप से रीति मुक्त कवि हम मानते हैं और विशुद्ध प्रेम के वे माने जाते हैं, उनकी कुल मिलाकर 29 जो कृतियां हैं तो उनकी भी 39 जो कृतियां हैं उनकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जस्ट यही हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं और इतनी देर तक मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सबके प्रति मैं परम आभारी हूँ। आप कोई एकाध जिज्ञासा है तो यहाँ पूछ सकते हैं, अन्यथा बाकी कल भी हम बात करेंगे। आप पूछ सकते हैं अभी एकाध मिनट में जो भी पूछना चाहेंगे। और आपके एकाध जो टेक्निकल डाउट्स हैं स्पेशली एग्जाम रिलेटेड और आपका बैच ये एग्जाम लिख सकता है इन सब में, तो ये एक्चुअली सेकंड ईयर वालों को क्लैरिटी दी गई थी जो डीडी के कोऑर्डिनेटर्स ने दे दिया था कि आप किसी भी बैच के हैं स्पेशली अभी जो एग्जाम्स होना है उसमें आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, उससे संबंधित जो यूनिवर्सिटी के सर्कुलर्स हैं उनको ध्यान से पढ़िए और परीक्षा पद्धति के बारे में भी ध्यान से पढ़कर समझिए। जैसे आपको पेपर मिलने के बाद, पेपर आपको ईमेल से एक घंटे पहले मिलेगा और उसके बाद आप पेपर लिख के उसी दिन स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, तो अगले दिन भेजेंगे वो कॉपी माना जाएगा। तो ये सारे नियम वहाँ पे बहुत स्पष्ट हैं, तो उनकी ओर आप ध्यान दीजिए। और भी डाउट्स हैं जरूर आप कल शुरू में जुड़ते ही तो इसमें कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का जो लोगो आपको दिख जाता है तो उसमें जस्ट आप बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर्स आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, वे आपके तमाम डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे। अभी कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में मैंने देखा कोई और सवाल नहीं रह गया है, तो और डाउट्स नहीं तो यही हम विराम दे देंगे इस चर्चा को। जी थैंक यू सो मच, धन्यवाद, फिर हम कल मिलते हैं सर। थैंक यू।
कल हम आधुनिक काल के संबंध में धन्यवाद जी धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद।